एग्जाम्पल नंबर 30 देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 30 सीबीएसई ने पूछा हुआ भी है, मज़ेदार है, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन है कुछ 11th के कॉन्सेप्ट का और 12th का कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है। इसमें क्या छिपा हुआ है जरा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। हमसे कह रहा है, पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कुछ डिस्टेंस चल चुका है, 6 सेंटीमीटर कुछ डिस्टेंस चला होगा इलेक्ट्रॉन, व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, और ये रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है। जब रेस्ट से एक्सेलरेट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपको गिवन दैट में एक चीज़ मिल तो गई भाई, क्या मिला है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, आगे क्या कह रहा है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको रेस्ट से स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2×10⁴। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम। आगे देखो, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, कितनी देर तक ये चलेगा। टाइम ऑफ ट्रैवल पूछ रहा है, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम पूछ रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रैवल की है वो 6 सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻²² से मल्टीप्लाई, ये मीटर में आ चुका है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल, द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर, यहाँ पर मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9×10⁻³⁹ किलोग्राम, इसको याद भी कर लेना। और चार्ज कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा है कि टाइम बताओ, कितना टाइम लग जाएगा 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो आपसे टाइम पूछा, तो टाइम कैसे निकालोगे आप, तो टाइम कैसे निकालोगे, अब जब टाइम आपको पूछ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो आप, आपके पास पहली कौन सी होती है, v=u+at, इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि आपको नहीं दे रखी, तो ये तो आप नहीं लगा सकते। दूसरा देखो, s=ut+½at², इनिशियली एट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो u जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो। डिस्टेंस आपको गिवन है हाफ a, अगर आपको पता चल जाए तो t की वैल्यू निकाल दोगे, और a आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो आप जानते हैं क्या E=, होता है F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर कितना लग रहा है वो इतना। तो यहाँ से अगर आप F की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा Q×E, फोर्स देख रहे हो आप, Q×E के बराबर होगा, और फोर्स जो होती है वो MA के बराबर होती है। तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो, इट मींस MA = हो जाएगा Q×E। यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे तो QE/M हो जाएगा, a=, कितना हो जाएगा, QE/M। जरा Q की वैल्यू पुट करो, 1.6×10⁻¹⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 2×10⁴, नीचे क्या दे रखा, मास कितना, 9×10⁻¹³। जरा इसको सॉल्व करो, a की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे −31 ये है, −19 ये है, तो −31 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगी, 16×2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.29, ऐसे ही रहेगा नीचे। पावर मैनेज कर लेते हैं, 19 ये है और प्लस का 4 ये है, तो −15 बचा, −15, और 31 ऊपर जा कर के प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा −15 और +31, तो +16 रह जाएगा। देखो तो a=, आ जाएगा 3.2/9×10⁻¹⁶ m/s². तो ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, आपके पास डिस्टेंस दी हुई है, एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, तो आप क्या t नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं इतने से पार्ट में इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे, ईजी है भाई, आप लोगों की मदद से सब इजी होता है, सिंस वी नो दैट
आप क्या जानना चाह रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता होता है। डिस्टेंस कवर की है 6×10⁻²² मीटर की। यू इनिशियली एट रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यू इज इक्वल टू जीरो है, तो जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो, यहाँ से बचेगा हाफ। ए आपके पास कितना आया, 3.2/9 × 10⁻¹⁶, ये है आपके पास ए, और टी स्क्वायर ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 6×10⁻², × 2 × 9, और यहाँ से 3.2×10⁻¹⁶ डिवाइड में आ जाएगा, 3.2×10⁻¹⁶, तो यहाँ बचेगा सिर्फ टी स्क्वायर। आपको चाहिएगा टी, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो रूट के अंदर आ जाएंगी। क्या 6×10⁻², 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 18, नीचे 3.2×10⁻¹⁶। ठीक है भाई, इसको अब सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा एक बात ध्यान दो, ये 10⁻⁶ है ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, माइनस के 2 पहले से था तो माइनस के 18, तो ये हो गया माइनस के 18, ये 6 है, ये 180 है, ये 32 है। जब इस छोटी सी कैलकुलेशन को, इस छोटी सी कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, कुछ इस तरह से आ रही है 5 point something। वैल्यू कितनी है, 5 point something आ रही है, 5.85×10⁻¹⁹, 5.85×10⁻¹⁹ सेकेंड। यह आपसे पूछा था और यह आपने बता दिया, छोटी सी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करने के लिए दी, या CBSE ने इस क्वेश्चन को पूछा। कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन मज़ेदार है, बिल्कुल भी मिस ना करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।